हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोले सिस्टम के अंदर एक ऐसा वेरिएशन जिसका नाम है पिल्सब्यूरी फॉर्मेशन इन द मार्शल प्लान। मार्शल प्लान मतलब ब्लैक की ओर से ऐसे एक प्लान होता है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे d4, d5, नाइट f3, c5 मूव ऑर्डर e3, e6, बिशप d3, नाइट c6, कैसल nf6, देन b3। b3 हमने बहुत लेट किया है यहाँ पे, लेकिन कई बार ऐसे गेम खेल सकते, थोड़ा सा रिस्की है स्टार्टिंग में। बिशप d6, bb2, कैसल नाइट bd2, b6, नाइट e5, बिशप टेक्स e5। इसे बोलते हैं पिल्सब्यूरी का मार्शल प्लान, जो ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नो मैन नो प्रॉब्लम, उसी की तरह नो नाइट ऑन e5 नो प्रॉब्लम, ऐसा ब्लैक सोचता है। तो बिशप टेक्स नाइट, नाइट टेक्स नाइट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट टेक्स नाइट में डबल अटैक आता है और पीस डाउन होता है। बिशप टेक्स e5 पॉन टेक्स देन नाइट d7, और यहाँ पे आपको e5 को सपोर्ट करना है f4 पॉन से। उसके बाद ब्लैक रिप्लाई देगा f6, पिल्सब्यूरी में ऐसे अटैक होते हैं ब्लैक से। पॉन टेक्स पॉन सिंपल मार देना है, फोर्स मूव टू नाइट टेक्स f6, क्योंकि बिशप ऑन b2 इज सपोर्टेड एट f6। नाइट f3, तुरंत नाइट f3 ला दो, ब्लैक का जो e5 पॉन प्रमोशन मूव हो रहा है उसे स्टॉप करना है। नाइट b4, यहाँ लाइट स्क्वायर बिशप आप दे सकते हो, क्योंकि आपका डेवलप हो रहा है। नाइट e5 सेंट्रलाइज, मूव वेस्ट करने से बेटर है। बिशप वर्सेस नाइट एक्शन भी कर ले तो हमारे लिए एक मूव गेन कर रहे हैं। यहाँ पे नाइट टेक्स, और यहाँ पे पॉन टेक्स मारना है दोस्तों, खास करके ध्यान रखो। सेंट्रलाइज जो पॉन होते हैं बहुत ही जबरदस्त होंगे यहाँ पे। नाइट d7, ब्लैक ट्राई करेगा सारे पीसेस एक्सचेंज करने का। नो नाइट ऑन e5 नो प्रॉब्लम, ऐसा एक उसका वर्ड है। क्वीन g5, क्वीन e6 की थ्रेट है, तो नाइट टेक्स e5, और यहाँ पे आपको बिशप टेक्स, और डायरेक्टली क्वीन g7 चेकमेट की थ्रेट है। क्वीन e7 या फिर क्वीन d7, क्वीन e7 इज गुड। यहाँ पे रुक f3 कर सकते हो आप, g6 और e4, बिशप b और रुक d1, पॉन टेक्स देन रुक d8, और यहाँ पे h4 करके ब्रिलियंट अटैक आपको व्हाइट की ओर से मिलेगा। बहुत जबरदस्त प्ले है, व्हाइट के सारे पीसेस देखिए आप, बिशप दोनों रुक और क्वीन सभी किंग साइड अटैक कर रहे हैं, और h4 भी तुरंत आने वाला है, जिसका रिप्लाई ब्लैक के पास शायद नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर एक बता रहा हूँ दोस्तों, d4 nf6 nf3 c5 e3 e6 बिशप d3 d5। यहाँ पे खास ध्यान रखो, d5 और c5 दोनों एक रैंक पे है, तो आपको तुरंत b3 करना है। nc6 और कैसल जल्दी कर सकते हो। पॉन टेक्स पॉन सेंटर पे हमारा पॉन रहना जरूरी है। बिशप d6 bb2 और कैसल a3, नाइट b4 को अलाउ नहीं करते हैं। b6 और यहाँ पे नाइट bd2, बिशप b7, क्वीन e2 करके भी आप कई बार खेल सकते हो। रुक c8, नाइट e5, क्वीन e7, देन f4, re8, देन रुक f3, और यहाँ से वाइट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त अटैक की पोजीशन शुरू होती है। रुक h3, देन रुक टेक्स पॉन क्वीन, और ये सारे मूव्स है यहाँ पे। लाइक ब्लैक ने अगर a6 किया तो रुक h3 आपका प्लान होना चाहिए। जैसे कि b5, ब्लैक ट्राई करता है क्वीन साइड अटैक करने का। यहाँ पे एक सैक्रिफाइस कुछ गेम में मैंने देखा था कि बिशप टेक्स पॉन देन नाइट टेक्स बिशप एंड क्वीन h4 आफ्टर नाइट f6 सिंपल क्वीन h8 चेकमेट, और अगर जैसे कि g6 या फिर कुछ और किया
तो क्वीन एच सेवन, किंग एफ एट, देन क्वीन एच एट चेकमेट। तो यहाँ से बहुत ही जबरदस्त अटैकिंग लाइन है यहाँ पे। कभी कभी ये रूक एच थ्री ऐसे काम में आता है। रूक एच थ्री का एक ये भी जबरदस्त अटैक है, कई बार आप ऐसा सेटअप कर सकते हो दोस्तों। अपनी पोले सिस्टम में मैंने बताया कि आप बहुत टाइप के अटैक कर सकते हो। रूक एफ थ्री, उसका मेनोरिंग करो रूक एच थ्री पे, और अगर ब्लैक उसे इग्नोर करता है, इसमें ब्लैक को जी सिक्स करके इस लाइन को ब्लॉक करना जरूरी है, वरना गेम यहाँ पे बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। दोस्तों और भी बहुत सारे वेरिएशन सीखने के हैं। दोस्तों कई बार अलग टाइप से हम अपना आइसोलेट पॉन करके गेम खेल सकते हैं कोले सिस्टम में। ये देखिए इस गेम में आपको पता चलेगा, डी फोर एन एफ सिक्स, सॉरी डी फोर डी फाइव मेन लाइन में ही देखते हैं, नाइट एफ थ्री एन एफ सिक्स ई थ्री ई सिक्स बिशप डी थ्री सी फाइव देन बी थ्री नाइट सी सिक्स कैसल पॉन्टेक्स पॉन्टेक्स देन बिशप ई सेवन। बी ई सेवन वेरिएशन में ये दिखाया गया है, बिशप बी टू कैसल एन बी डी टू क्वीन बी सिक्स। पहले से क्वीन डेवलप करते हैं तो हमें और मजा आता है खेलने में। आर ई वन बिशप डी सेवन सी फोर पॉन टेक्स पॉन देन नाइट टेक्स पॉन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका डी पोन आपने आइसोलेट कर दिया है। उसका दो रीजन है, एक तो तुरंत नाइट क्वीन पे अटैक कर रहा है, टेम्पो के साथ आगे बढ़ रहा है, और दूसरा रीजन है हमें रुक के लिए पूरी ओपन फाइल मिल जाएगी क्वीन सी सेवन के बाद रुक सी वन। यहाँ पे अगर ब्लैक ने क्वीन एफ फोर खेला अपने अटैक के लिए क्वीन को यहाँ, देन नाइट जी फोर कुछ कर सकता है अटैक के लिए, लेकिन ये ब्लैक के लिए और भी परेशानी वाली बात हो जाएगी। नाइट सी ई फाइव खेलना है, रुक डी एट क्योंकि बिशप पे नाइट का अटैक है, रुक सी फोर इसे मैं एक्सक्लामेशन मार्क दूंगा क्योंकि यहाँ पे क्वीन ट्रैप का प्लानिंग होता है। क्वीन एच सिक्स बिशप सी वन क्वीन एच फाइव देन नाइट टेक्स सी सिक्स बिशप टेक्स सी सिक्स। अब यहाँ शुरू होता है क्वीन ट्रैप का प्लानिंग, रुक सेक्रीफाइस रुक टेक्स देन रुक ई फाइव। अब क्वीन के लिए बहुत ही कम स्क्वायर रह गए दोस्तों, कम मतलब ओनली क्वीन जी फोर देन एच थ्री, और क्वीन देख सकते हो कि टोटली ट्रैप हो चुकी है, सारे स्क्वायर अटैक में है। क्वीन कहीं भी रहेंगे, क्वीन के लिए कोई स्पेस नहीं है। क्वीन जी सिक्स पे बिशप का अटैक है और क्वीन एच फाइव पे रुक का अटैक है, तो यहाँ पे क्वीन टोटली ट्रैप हो गई है और आप सिंपल ये गेम वाइट से जल्द ही जीत जाओगे। तो कई बार ऐसे अटैक कर सकते हो आप, जैसे कि रुक सी फोर एक ट्रिकी मूव है जो जल्दी किसी को खेलने का दिखेगा नहीं। रुक सी फोर एक ट्रिकी मूव है, यहाँ पे क्वीन एच सिक्स अगर जाता है, नहीं जाता है तो नेक्स्ट रेट है हमारी ई फाइव की, और डबल अटैक पॉन टेक्स नाइट एंड रुक टेक्स क्वीन, तो यहाँ पे आपको एक थ्रेट के चांस है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे ट्रैप में पोले सिस्टम में आपके सामने दिखाता रहूँगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भी बहुत सारे वीडियो आने बाकी है दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद जय गुजरात।